पुनर्विचार करें। हमने उनसे वार्ता किया है, फोन पे वार्ता किया है, उन्होंने कुछ ऐसा रुझान दिया है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि शायद वो कुछ आप लोगों के लिए मदद का रास्ता निकालने के लिए वो वहाँ पे बैठी हुई हैं। इसी कारण से हम और डीएम साहब अभी वहाँ जा रहे हैं उनके शिविर पर, और इस बारे में विचार विमर्श करके आपको अवगत कराया जाएगा। जो जानकारी मिली है आप ही लोगों के बीच की बातें हैं, हमारे डीएम साहब ने कुछ आपके जो साथी यहाँ आए थे वो भी काम हो गया, उन्होंने भी अपनी बातें रख दी। देखिए एक दो बातें और भी मैं आपसे बता दूं, यहाँ पहले कुछ लोगों पे मुकदमे भी कायम हैं, आप सभी जानते हैं। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ, देखिए यहाँ मैं आज आपके सामने ये बात बोल के जा रहा हूँ, मैं बात करने भी जा रहे हैं, और दूसरा इस पर हम पुनर्विचार कराएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है, हम पुनर्विचार कराएंगे। तो ये मेरा आपसे वादा है और हम तत्काल से जा रहे हैं। एक चीज और बता दूं, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा है, यहाँ किसके लिए आया, ये सारे सर आप हैं सर, बताओ ये लोग सबसे पहली बात की झूठ बोलते हैं, ये लोग बोले सर एक मिनट नहीं सर 40-20 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 40-20 से प्रोटेस्ट कर रहे लोग बोले हो गया तो भी जो निर्दोष होगा उसका नाम निकाल दिया जाएगा। लेकिन साथियों हमारी और आपकी, देखिए हम आप आए, हम यहाँ पे हम और डीएम साहब आए हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारी और आपकी सफलता इसी में भी हो, इसी में है कि काम आपका हो जाए, आपकी मदद हो जाए, और यह मामला पुलिस वर्सेस स्टूडेंट कदापि ना बने, क्योंकि अगर हमको बहुत शर्मनाक होगा अगर हमें मुकदमा लिखना पड़ेगा, बहुत शर्मनाक होगा अगर हमें लाठी चलानी पड़ेगी, बहुत शर्मनाक होगा अगर हमें आंसू गैस के गोले फेंकने पड़ेंगे, बहुत ही शर्मनाक होगा अगर मेरे किसी भी भाई बंद पे मुझे मुकदमा लिखना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोशिश करना, और आपकी सफलता भी इसी में है, आपकी समझदारी भी इसी में है कि बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी पुलिस के रजिस्टर में आपकी एंट्री हुए काम हो जाए। और इसीलिए डीएम साहब ने अपनी बातें कह दी, आपके कुछ साथी आगे आए थे, आपके आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर के बैठे हैं, क्या वार्ता आप लोगों की हुई है, क्या आश्वासन आप लोगों ने दिया है? अच्छा, यहाँ काफ़ी संख्या में लड़के स्टूडेंट हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और इनका एक ही मात्र मांग है कि इनकी जो एग्ज़ाम्स है, जिसका इन्होंने कल एक कमेटी का रिपोर्ट आया है ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए, तो बच्चों का कहना है कि ये एग्ज़ाम्स ऑनलाइन लिया जाए, और बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, एप्लीकेशन भी दिया है कि हमारा जो एग्ज़ाम उसको ऑनलाइन किया जाए, उसकी संख्या भी जो मुझे बताया काफ़ी बड़ी संख्या है, तो हमने बच्चों को आश्वस्त किया है कि हम इस पर ज़रूर तत्काल से वार्ता करेंगे वीसी मैडम से, और इस पर यथासंभव हम पुनर्विचार की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे एप्लीकेशन दिए उनकी बात सुनी अवश्य जाए, उस पर कुछ डिसीजन हो जाए। थैंक यू। क्या डिमांड है और क्या आश्वासन आप भी यहाँ पर डीएम साहब और एसएसपी साहब आए हुए थे, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? देखिए यह प्रोटेस्ट तकरीबन 43 दिन से कंटिन्यू चल रहा है ऑनलाइन परीक्षा को लेकर। छात्रों का कहना है कि 2 सालों से वैसे भी पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं हुआ, और थर्ड ईयर में जो थर्ड ईयर के छात्र उनका कहना है कि 2 सालों से ना प्रैक्टिकल हुआ और ना तो पेपर हुआ, और बिना प्रैक्टिकल दिए हम कैसे पेपर देंगे। और छात्रों की यही मांग है कि जब परीक्षा हुई है जूम पे तो पेपर भी होगी रूम पे। इसको लेकर छात्रों ने लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता करने की कोशिश की, और विश्वविद्यालय प्रशासन को लगातार दबाव डाला गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैये से बाज नहीं आया। आज आए थे कप्तान साहब, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है, क्या बातें आप लोगों की हुई है, क्या उन्होंने कहा? देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब छात्र, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में छात्र अपने आप को मानसिक डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने का फैसला लिए, अपने ऊपर पेट्रोल डालकर
सैकड़ों की तादाद में छात्र जब यहाँ पर इकट्ठे हुए तो पूरा प्रशासन हिला और प्रशासन यहाँ पर आया, वार्ता किया और आश्वासन दिया है कि हम जा रहे हैं कुलपति महोदय से पुनः वार्ता करेंगे और निर्णय आपके पक्ष में लाने का कार्य करेंगे।